हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी। ये है टिपिकल ग्रामर की बुक की एक्सरसाइज नंबर 33 का सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले 10 सेंटेंस का सॉल्यूशन देंगे और अगले वीडियो में बचे हुए 10 सेंटेंस का। और ये सॉल्यूशन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जिसमें हमें दो या उससे अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं और किस तरह से चेंजेस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर, रिटर्न द पेन, पेन वापस करो, आई गेव यू, मैंने तुम्हें दिया था। तो इसे दोनों को जोड़ेंगे तो होगा रिटर्न द पेन विच आई गेव यू। विच कंजंक्शन लगाएंगे, जिसका मतलब है जो कि, पेन वापस करिए जो कि मैंने आपको दिया था। दूसरा है ही वेंट टू द विलेज, वह गांव गया। ही स्टेड देयर, वो वहां रुका। फॉर 2 months, 2 महीने के लिए, दोनों को जोड़ेंगे तो ही वेंट टू द विलेज, वह गांव गया, क्योंकि स्थान है, स्थान के लिए वेयर, जहां ही स्टेड, वह रुका। फॉर 2 months, 2 महीनों के लिए। नंबर थर्ड देखिए, समवन हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। आई वॉन्ट टू नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, हु, किसने हैज स्टोलन माई बुक, मेरी किताब चुराई है। तो हु कंजंक्शन जोड़कर, दोनों सेंटेंस को जोड़कर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना मजेदार। नंबर फोर देखिए दोस्तों, आई गो एवरीवेयर, मैं हर जगह जाता हूँ। माई शेडोज फॉलो मी, मेरी परछाइयाँ मेरा पीछा करती हैं, हालांकि हम सबकी करती हैं, दोनों को जोड़ेंगे। माई शेडोज फॉलो, मेरी परछाइयां पीछा करती हैं। वेयर एवर आई गो, जहां कहीं भी मैं जाता हूं। नंबर फाइव देखिए, इट इज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। लाइट द लैम्प, लैम्प जलाओ, दोनों को जोड़ेंगे। दो इट इज डार्क, चूंकि अंधेरा है अभी, लाइट द लैम्प, लैम्प जलाइए। नंबर सिक्स पर आएंगे दोस्तों, द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर आ गया। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड एक्सपायर्ड, पेशेंट की डेथ हो गई, यानी कि वो चला गया, दोनों को जोड़ेंगे। व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, टाइम की बात है यहाँ पर, जब डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड एक्सपायर्ड, पेशेंट मर चुका था। नंबर सेवन पर आएंगे, आई वॉज गोइंग टू द स्टेशन, मैं स्टेशन जा रहा था। आई सॉ अ बेगर, मैंने एक भिखारी देखा। ही वॉज सिक, वह बीमार था। ही वॉज लाइंग अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। तो ये चार सेंटेंस जोड़े हैं ना, तो किस तरह करेंगे, वैन आई वॉज गोइंग टू द स्टेशन, जब मैं स्टेशन जा रहा था, आई सॉ, मैंने देखा, आ सिक बेगर, सिक ले लिया बेगर के साथ, तो दो सेंटेंस कम हो गए। लाइंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, जीरण का इस्तेमाल करके हमने ये चारों सेंटेंस जोड़कर बना दिया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, केवल एक वैन और कॉमा लगाकर, है ना इंटरेस्टिंग। नंबर एट पर आइए, आई लिव इन अ हाउस, मैं एक घर में रहता हूँ। इट इज डबल स्टोरीड, ये दो मंजिला है। इट इज एयरी एंड वेंटिलेटेड, ये हवादार है और हवा पास भी हो रही है ना। तो जोड़ के क्या करेंगे, आई लिव इन अ हाउस, मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ विच, जो कि इज डबल स्टोरी, दो मंजिला है, कॉमा एयरी एंड वेंटिलेटेड, और हवादार भी है और हवा का निकास भी है। नंबर नाइन पर आएंगे, शी वेंट टू द स्टेशन, वह स्टेशन गई। देयर शी सॉ अ डेड डॉग, जहां उसने एक मरा हुआ कुत्ता देखा। इट वॉज बैडली क्रश्ड, ये बुरी तरह कुचला हुआ था, जोड़ेंगे। शी वेंट टू द स्टेशन, वह स्टेशन गई। वेयर, जहां, स्थान की बात हो रही है। शी सॉ, उसने देखा, आ बैडली, बुरी तरह, एडजेक्टिव का यूज करेंगे, क्रश्ड डेड डॉग, कुचला हुआ मरा कुत्ता, या ठीक है। नंबर टेन पर आएंगे, इट इट इज अ सिन टू टेल अ लाई, झूठ बोलना पाप है। वी ऑल से दिस, हम सब यह कहते हैं। फ्यू स्पीक द ट्रूथ, कुछ सच बोलते, जोड़िए। इट इज अ सिन टू टेल अ लाई, said by all of us, even though few speak the truth, झूठ बोलना पाप है, हम सब ऐसा कहते हैं, फिर भी कुछ लोग सच बोलते, है ना इंटरेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने 10 सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा प्लीज, और शेयर करें अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करें अभी तक आपने नहीं किया, और कर लिया तो थैंक यू वेरी मच, बाय।